हरे कृष्णा। मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी सब्जी बनाएंगे जो सबको ऑल टाइम फेवरेट रहती है और टेस्टी भी, जो है राजमा। राजमा जो है वह नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस सब्जी है और आज हम कश्मीरी स्टाइल से राजमा बनाएंगे। राजमा और राइस एक परफेक्ट कॉम्बो है और ज़्यादातर लोगों को वह कॉम्बो बहुत ही पसंद आता है। राजमा को रेड किडनी बीन्स भी कहा जाता है और वह बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने यह राजमा लिए हैं, वह डार्क कलर के हैं और एक राजमा जो आते हैं वह लाइट कलर के हैं, मगर हम ओरिजिनल रेसिपी में यही राजमा इस्तेमाल करते हैं। और यह राजमा बनने के बाद, बॉयल होने के बाद भी इसका कलर रेड ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे और इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे और उसका पानी जो है वह धोकर हम निकाल देंगे। यहाँ पर हमने राजमा को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर राजमा को 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए हम इसे सोक करेंगे। सात से आठ घंटे हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं राजमा जो है वह बड़े भी हो गए हैं और थोड़े से सॉफ्ट भी। यहाँ पर हमने कुकर लिया है और राजमा का पानी निकाल दिया था, अब राजमा कुकर में ले लेंगे। और इसमें 3 कप या 3 से 4 कप पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 से 6 विसल बजने तक हम इसे कुक करेंगे। छः विसल हो गई है और हमारा कुकर ठंडा भी हो गया है, आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे राजमा जो है वह सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इसका जो पानी है वह फेंकना नहीं है, वह हमें रखना है। एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल, इसे गरम करेंगे, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 तेज पत्ते, 1/4 चम्मच हींग ली है और 1 चम्मच बारीक काटे हुए अदरक और मिर्ची। अब हम इसे सौते कर लेंगे। इसमें जो हमने बारीक काट कर लिए है अदरक और मिर्ची, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो ग्राइंड ना करें और इसे छोटा छोटा काट कर ही यूज़ करना है। अब हम इसमें 3 टमाटर डालेंगे जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ग्रेट करके डालेंगे तो उसका छिलका जो है वह निकल जाएगा और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ऑयल और घी रिलीज होने तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे।
मसाले हम थोड़े से अभी डालते हैं ताकि घी और ऑयल जल्दी से रिलीज़ हो जाए और अच्छे से अंदर मसाले पक जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा घी या ऑयल रिलीज़ हुआ है, मगर हमें और भी इसे कुक करना है। अब आप देख सकते हैं तेल और घी दोनों ही रिलीज़ हो चुके हैं, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। ग्रेवी को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि राजमा बनने के बाद उसमें पानी ना दिखे। और इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब हमने जो राजमा बॉईल किए थे वह और उसमें जो पानी था उसमें से थोड़ा पानी हम अभी मिलाएंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। राजमा का जो पानी है जिसमें हमने बॉईल किए थे वही पानी इस्तेमाल करना है ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। हम नॉर्मल पानी डालेंगे तो वह टेस्ट नहीं आता है, तो वह पानी हमें रखना है। और आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की वही हिसाब से आप पानी डालिएगा, और पतला करना है तो और पानी वही डालना है। तो हम अभी सेमी लिक्विड कर रहे हैं और अब हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 7 से 8 मिनट हो गई है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब ग्रेवी और राजमा दोनों ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और जिसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, यह डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो कृपया स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें 2 चम्मच बारीक काटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे और स्टोव को बंद कर लेंगे। हमारे राजमा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमने राजमा राइस और कुकुम्बर सलाद के साथ सर्व किया है, जिसके ऊपर तुलसी पत्र रखकर हम भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। भोग लगाकर बिल्कुल तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।